हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनानी है जिसमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ओके, तो लेट जो इसकी कीमत है जो नोटबुक की वो पेन की कीमत से क्या है, डबल है, ठीक है ना। तो हम लोग ले लेते हैं द कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू एक्स रुपीज। पेन की कॉस्ट कितनी ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एक्स रुपीज। ओके, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक उसकी क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, वाई रुपीज। उसकी कॉस्ट आप लोगों ने क्या ले ली, रुपीज वाई। ओके, तो इसमें बोला गया है कि इससे ना एक इक्वेशन बनाओ। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि इक्वेशन क्या होती है, दो एक्सप्रेशन को इक्वल टू साइन के साथ रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना। तो इक्वल टू का साइन आना चाहिए और दोनों एक्सप्रेशन, वो दोनों जो एक्सप्रेशन होती है लेफ्ट राइट वाली, वो दोनों आपस में इक्वल भी होनी चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो नोटबुक की कॉस्ट है ना वो पेन की कॉस्ट के डबल के इक्वल है। तो इसका मतलब पेन की कॉस्ट को अगर मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसकी कॉस्ट आ जाएगी, नोटबुक की। पेन की कॉस्ट कितनी है, एक्स। अगर मैं इसको दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसकी कॉस्ट आ गई, नोटबुक की। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, तो नोटबुक की, ये भी नोटबुक की कॉस्ट है और ये भी नोटबुक की कॉस्ट है, तो आपस में क्या हुए, इक्वल हुए। बस आ गया हमारे पास आंसर। आप चाहो तो ये आंसर भी है हमारे पास, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x y को उधर ले जाओ, इधर क्या रह जाएगा, 0, 2x y उधर गया, माइनस का y। ओके, अब 0 इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल हो गए स्टूडेंट्स। थैंक यू।